हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दा साडा टॉपिक हैगा नर्सिंग केयर प्लान ऑन ट्यूबरकुलोसिस पीडियाट्रिक नर्सिंग GNM सैकेंड ईयर दा अपना यह टॉपिक हैगा। सो अज दे इस वीडियो दे विच आपां फुल केयर प्लान बनावांगे, इंट्रोडक्शन तो लैके बिब्लियोग्राफी दे तक्कर सारा कंटेंट अवेलेबल हैगा। वीडियो नू शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो, विचों स्किप ना करियो, नहीं तां तुहाडा इक अद्धा कोई पॉइंट मिस हो सकता है। सो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। जेकर वीडियो चंगी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो, कमेंट करके जरूर दस्सो तुहानू वीडियो किदां दी लगी। जेकर तुहानू होर कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट करके दस सकते हो, मैं जरूर प्रोवाइड करूँगी। जेकर तुसीं मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लियो, बैल आइकन नू भी जरूर प्रेस कर लियो तो जो मेरी हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे कोल पहुँच सके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के विच तुहानू होर बहुत सारे टॉपिक के उपर केयर प्लान मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के जो नर्सिंग डायग्नोज हैगे वह भी सैकेंड वीडियो होगी, वह भी मैं तुहानू प्रोवाइड करूँगी। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला हैगी है इंट्रोडक्शन, सो लैट स्टार्ट द वीडियो। जो इंट्रोडक्शन होंगी है उस आपदे बारे लिखना होंदा, जिदा कि मेरे को स्टूडेंट का क्राइटेरिया सीगा, सो उन्होंने लिखा होया आई एम गुरलीन कौर स्टडिंग इन GNM सैकेंड ईयर इन माता साहिब कौर इंस्टीट्यूट गिदड़बा। आई सिलेक्टेड माई पेशेंट बलदेव सिंह हू वॉज सफरिंग फ्रॉम TB ट्यूबरकलोसिस, ठीक है, फॉर माई नर्सिंग केयर प्लान। जेकर तुसी इहनू चेंज करना चाहुंदे हो तां चेंज भी कर सकदे हां, तुसी अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने लिखा होया आई गिव मोर नॉलेज टू पेशेंट रिगार्डिंग दिस कंडीशन, आई ऑलसो केयर टू द पेशेंट, आई हैल्प टू रिड्यूस द फ्यूचर कंडीशनस, ठीक है, और कॉम्प्लीकेशनस भी तुसी लिख सकते हैं। सो जो होर भी केयर प्लान मैं प्रोवाइड करे हुए हैं, सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चैक करियो। उस तो नैक्सट होंदा है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल दे विच स्टूडेंट ने अपने बारे लिखना होंदा है। सो जो इंट्रोडक्शन ते स्टूडेंट प्रोफाइल होंदा ये जरूरी नहीं होंदा, आपां लगाउणा ही होंदा वीडियो दे विच, ठीक है, ऑप्शनल होंदा है। जेकर तुहाडे टीचर्स ने प्रिस्क्राइब किया ऑर्डर किया तो तुसीं लगाउणा है, ठीक है। उन्होंने लिखा नेम गुरलीन कौर, एज 18 ईयर, क्लास सैकेंड ईयर, कोर्स GNM, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट माता साहिब कौर नर्सिंग इंस्टीट्यूट गिदड़बाहा, ठीक है। उस तो नैक्सट उन्होंने लिखा होया आ प्लेस गिदड़बाहा, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब, ठीक है। सो जो तुहाडा डिस्ट्रिक्ट हैगा, प्लेस हैगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हैगा, ये तुसीं तुहाडा अपना लिखना है, तुहाडे अकॉर्डिंग तुसीं इहनू चेंज करना है, ठीक है। उस तो नैक्सट साडे कोल हुंदी आ पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल दे विच आपां चाइल्ड दा आपां जिक्र बना रहे हां तां आपां इक चाइल्ड पेशेंट लैके चलना है, ठीक है। पेशेंट प्रोफाइल दे विच पेशेंट दा नेम की आ, उन्होंने लिखा होया आ बलदेव सिंह, ठीक है। नैक्सट उन्होंने एज लिखी हुई है 15 ईयर, सैक्स की आ मेल, एड्रेस हुसनर, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, एजुकेशन 9th पास, ठीक है। नैक्सट ऑक्यूपेशन की हैगा, स्टूडेंट हैगा या चाइल्ड हजे तक उहदी कोई ऑक्यूपेशन नहीं हैगी है, ठीक है। हैल्थ स्टेटस की हैगा, अनहैल्दी हैगा या प्लेस की आ, उन्हों का शहर केड़ा, पिंड केड़ा, ठीक है। इतने हुसनर लिखा तुसी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन की है एजुकेशन, ठीक है, उहदी हजे कोई ऑक्यूपेशन नहीं हैगा, सो शायद उन्हों तो मिसटेक नाल एग्रीकल्चर पै गया सी। नैक्सट हुंदा है साडे कोल फिजिकल एग्जामीनेशन। फिजिकल एग्जामीनेशन दे विच आपां की चैक करांगे, जनरल एग्जामीनेशन, कॉन्शियसनैस, कॉन्शियस हैगा या चाइल्ड, हैल्थ स्टेटस किदां दा हैगा या अनहैल्दी हैगा या, ठीक है। उस तो नैक्सट की हैगा है हैल्थ स्टेटस अनहैल्दी, एक्टिविटी एक्टिव हैगा है, लुक की है अलर्ट, हाइजीन की है पुअर हाइजीन, स्पीच क्लीयर, हाइट किन्नी हैगी है चाइल्ड की, सो नहीं नहीं 5'3", 15 ईयर, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। वेट किन्ना हैगा है, सॉरी वेट की मिसटेक हैगी है, ठीक है, तुसी 40 kg कर लियो जी, ठीक है। नैक्सट हैगा स्किन कंडीशन की है, कलर ब्राउन, स्किन टर्गर नॉर्मल, हाइड्रेशन गुड, डिसकलोरेशन एबसेंट, ठीक है। सो ये वाले आपां स्किन दे पॉइंट्स लिखे है, जेकर तुसी अपने कोलों कोई ऐड करने हो तो तुसी अपने कोलों ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है।
उस तो नैक्सट हैगा या नेल्स, ठीक है। नेल्स की कंडीशन किदा की हैगी है, कलर किदा का हैगा, ठीक है। तुसी एनो ऑब्जरवेशन ना लिखियो, तुसी इत्थे कलर लिख लियो पिंकिश, नेल बीड्स पिंकिश, नेल प्लेट फ्लैट, ठीक है। उस तो नैक्सट साढ़े कोले हैगे आ हेयरस, हेयरस के जो आप पॉइंट्स मैनशन करने हैं भी हेयर की किदा की कंडीशन हैगी है। हेयरस दे विच आपां की लिखना है, कलर ब्लैक, कलर टैक्सचर नॉर्मल, ग्रोइंग वैल ग्रो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन नॉर्मल हैगी है, ठीक है। सो ये वाली जे तुसी एक अद्धा पॉइंट होर विच ऐड करना होया कर सकते हैं। उस तो नैक्सट लिखना हैगा आपां हैड बारे, हैड की शेप किदा की हैगी है, नॉर्मल आ, स्कॉप किदा दा, क्लीयर आ, फेस नॉर्मल हैगा है, ठीक है। आईज, आईज दे विच आपां लिखना है आईब्रोज, आईब्रोज ठीक है किदा दी है, सिमेट्रिकल आ, आई लैशिज नॉर्मल आ, आई लिड्स नॉर्मल आ, प्यूपिल शेप नॉर्मल आ, स्क्रैरा वाइट आ, विजन नॉर्मल आ, कंजकटाइवा भी नॉर्मल आ, ठीक है। सो आईज की कंडीशन आपां दसनी है सारी। नैक दे विच रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल, लिम्फ नोड्स नो इनलार्जमेंट, ट्रैकिया मिडलाइन, थायरॉयड ग्लैंड नो इनलार्जमेंट्स, ठीक है। नैक तो बाद साढ़े कोल आ जाता है चेस्ट, थोरैक्स सिमेट्रिकल, थोरैक्स एक्सप्लोजन नो नॉर्मल, ठीक है। हर्ट साउंड प्रेजेंट, कफ की है प्रेजेंट, ठीक है। उस तो नैक्सट हैगी साढ़े कोल ब्रेस्ट एंड एक्जिला सिमेट्री किदा की हैगी है, सिमेट्रिकल आ, डिस्चार्ज एबसेंट, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन फुल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एबडोमन दे विच इंस्पैक्शन लिखना है, अस्कल्टेशन, बाउल साउंड, ठीक है। परकशन दे विच प्रेजेंस ऑफ गैस, पालपेशन दे विच टेंडरनेस ऑफ एरिया, ठीक है। सो एबडोमन दी आपां इंस्पैक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन ये वाले स्टैप्स आपां फॉलो करांगे। नैक्सट साढ़े कोल हैगा या ईयर, ईयर दे विच पिन्ना नॉर्मल आ, ठीक है। सो सैकेंड पॉइंट तुसी ना लिखियो, अजीब जाया है। हीयरिंग हैगी है नॉर्मल आ, नोज की आ, नेजल सैप्टम मिड लाइन आ, स्मैल नॉर्मल हैगी आ। माउथ एंड फेरिंग्स दे विच लिप्स की हैगी आ, ड्राई हैगी आ, ठीक है। कलर ऑफ म्यूकस मैमब्रेन की हैगा आ, पिंक हैगा आ, ठीक है। सो माउथ ते फेरिंग्स दे ये दो पॉइंट सीगे। टंग दे विच कलर ऑफ टंग पिंक हैगा आ, टीथ की आ, डिसकलरेशन हैगी आ, क्योंकि बेबी नू ट्यूबरकुलोसिस हैगी, ठीक है। हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। मोबिलिटी की हैगी है, वोलंटरी है टंग दी। ब्रैथ ऑर्डर की हैगी है, बैड ऑर्डर हो रही हैगी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हैगी, ठीक है। फेरिंग्स दे विच की हैगा, सोर थ्रोट प्रेजेंट हैगी, ठीक है। नैक्सट टॉन्सिल्स दी नो इनलार्जमेंट, वॉइस नॉट क्लीयर, ठीक है। सो नॉट क्लीयर लिखा हुआ, कन्फ्यूज ना हो जी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस हैगा चाइल्ड नू, तां कफ आ रही हैगी है, तो वॉइस नहीं क्लीयर होगी। उस तो बाद हैगा अपर एक्सट्रीमिटी, सिमेट्री की है, सिमेट्रिकल आ, रेंज ऑफ मोशन की हैगा पॉसिबल आ। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दे विच सिमेट्री की हैगी है, सिमेट्रिकल आ, रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हैगा आ, ठीक है। स्वैलिंग एबसेंट हैगी आ। रैक्टम एंड एनस, रैक्टम एंड एनस दे विच आपां की देखना है, पेरिनियल स्किन इंटेंसिटी नॉर्मल हैगी है, सबजैक्टिव सिमटम्स नो पेन और होल स्टूल पासिंग, ठीक है। सो अपने आप वाले नर्सिंग डायग्नोस हैगे आ। फ्रेंड्स जो ट्यूबरकुलोसिस का नर्सिंग केयर प्लान होगा उसकी मैं एक सैकेंड वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, उस वीडियो का लिंक तुहानू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। सो उस तो वेख के तुसी नर्सिंग डायग्नोस लिख लेने आ, इवें जस्ट फॉर एग्जाम्पल दते हुए आ, तुसी ये भी लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। सो उस वीडियो का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन मिल जूगा। नैक्सट आ गया साढ़े कोल हैल्थ एजुकेशन, सॉरी हेल्थ एजुकेशन दे विच आऊगा फर्स्ट पॉइंट पर्सनल हाइजीन, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट हिज प्रॉपर हाइजीन, केयर ऑफ द स्किन एंड बॉडी, यूज ऑफ प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, असिस्ट द पेशेंट, ठीक है, इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, ठीक है। सो नैक्सट साढ़े कोल आ गया डाइट, एजुकेट द पेशेंट टू टेक प्रॉपर डाइट, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लैन बारे दसना है अपन। सो जो पॉइंट थोड़े माइंड दे विच होए तुसी लिस्ट कर देने हैं। एडवाइस द पेशेंट टू टेक लो सोडियम एंड लो कैलोरिक डाइट, ठीक है। एडवाइस द पेशेंट टू टेक एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। सो ये वाले पॉइंट अपने डाइट के सके। नैक्सट आ गया साढ़े कोल एक्सरसाइज, एडवाइस टू द पेशेंट टू डेली एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंपैसिटी।
ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟ ਟੂ ਐਕਟਿਵ ਆਲ ਪੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਟੂ ਡੂ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਆਲ ਪੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕੇਅਰ, ਫੋਲੋਅਪ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫੋਲੋਅਪ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਐਜੂਕੇਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਫੋਲੋਅਪ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਏਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।